नमस्कार श्री पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूँ आपका। जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे गिल डेयरी फार्म पर, आगे की जो जानकारी है वो लेंगे प्रॉपर भाई साहब के साथ। भाई साहब नमस्कार। मनीष जी सबसे पहले बढ़िया जी बढ़िया, आपका स्वागत है एक बार फिर गिल डेयरी फार्म श्री गंगानगर में। धन्यवाद जी। आप जैसे हर बार की तरह आज फिर आप वीडियो बनाने आए हो। हाँ जी। अपने व्यूवर को जो दिखाने आए हो भी गाय कैसी मिलती है गंगानगर में, कैसी हमारे फार्म से गाय जा रही है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया बात है। आप 200 किलोमीटर चल के आके लोगों को सच्चाई दिखा रहे हो। सही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके बारी हैं। धन्यवाद जी। और अपना नाम और एड्रेस बताएं। हमारा नाम गुरविंदर सिंह गिल है जी। हाँ जी। गिल डेयरी फार्म अपना फार्म का नाम है। ठीक है। ये श्री गंगानगर से 5-6 किलोमीटर दूरी हमारा गांव है। 3 जी छोटी। ठीक है। जो कि पदमपुर रोड पर है। पदमपुर रोड पे पड़ता है। ठीक है। मोबाइल नंबर अपना है 9983514190, 9985314190। ये हमारा मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों है। बिल्कुल। ठीक है। और जो ये गाय आप दिखा रहे हो ये बिककर कहाँ जा रही है? ये गाय बिक के जा रही है गुजरात। ठीक। हर बारी की तरह, हर बार की तरह गुजरात जा रही है। लेकिन मैं जो अपना वीडियो देख रहे हैं शुरू में सभी व्यूअर को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो हमारे अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी दी जाएगी वो कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत से लोगों से जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है फेसबुक पेजों से उनके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि मेरे बहुत से कस्टमर जो ठगी में आ चुके हैं उनका फोन आया मेरे पास। हाँ जी। वो जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, ये वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। मनीष जी ये 7 गाय जा रही है। ठीक है। 9 मुंह में जरा हर बार 9 ही जाती है। हाँ जी। ये 7 गाय जा रही है गुजरात महसाणा में। ठीक है, गुजरात जा रही है 7। भाई साहब यहाँ पर ही आए हुए? बिल्कुल यहाँ पर आए। इन्होंने हमारे से इनकी फरवरी से बात चल रही है। ठीक है, फरवरी से। हाँ, मतलब इन्होंने पूरा सर्च करके आसपास सभी जगह देख के सभी की बातचीत सुन के फिर हमारे पास आए। अच्छा जी। और वो कैसे संतुष्ट हुए या क्या सिस्टम है वो उनका आपको बच्चा देखो वो उनको आपका दिखाया जाएगा, उनसे बातचीत आपको करवाई जाएगी। हाँ जी। तो ये 7 गाय जा रही है। दूध कितने से कितने तक है? देखो 10 लीटर से कम तो एक भी नहीं है। ठीक है, मतलब 20 लीटर से दोनों टाइम का। हाँ। और तैयार भी है। ठीक है, निकाल के। और एक 30 लीटर की भी 28 लीटर की भी गाय है। ठीक है। 10 लीटर की तो 2 ही गाय मानते हम। ठीक है, बाकी 25 लीटर से ऊपर की गाय। चलो बढ़िया बात है। और एवरेज क्या पड़ी आज की गायों की? 64 64,000 अब हम बिकने के बाद हम कोई लोगों की तरह पिचपन बोल दें। हाँ जी, पिचपन बोल दे, 45 बोल दे, उसके कोई बिकने के बाद बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही है। माल दिखाएंगे आपको, माल बोलेगा खुद, गाय बोलेगी मैं इतने की हूँ। सही है। अपने 45,000 बोल देंगे फिर आकर 55 लेंगे वो अच्छा नहीं लगता ना। अब पिछली वीडियो अपने बना नहीं सके मौसम खराब की वजह से। हाँ जी। 46,000 के हिसाब से बछड़ियाँ गई है। अच्छा, तो जैसी गाय है वैसा ही माल है। मौसम तो आज भी बहुत खराब, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। चलो अपने पहले आए हुए थे। हाँ जी। 7 गाय है ये बनी जी, आपको एक एक करके गाय वीडियो सभी व्यूवर को ये बताना चाहूंगा, जरूर देखें वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेकिन अपने मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि अंत तक हर बंदा वीडियो कोई ना भी देखे। हाँ जी। चल क्या रहा है मनीष जी, फेसबुक पेज बने हुए हैं। ठीक है, पेज नहीं है वो ग्रुप है। ग्रुप है वो, फेसबुक ग्रुप है। हाँ। उस पे क्या चल रहा है अच्छी? जैसे मैंने मेरी कोई गाय बेची आज से 2 साल पहले, मेरी ग्रुप मेरे फेसबुक से या मेरे से कहीं भी व्हाट्सएप पे पिक ले ली उन्होंने। ठीक है। अपने उस पे डाल दी। ठीक है। फोटो ही डालते हैं, वीडियो बहुत कम डालेंगे या कहीं ना कहीं ग्रुपों से ले लेंगे। हाँ जी। और उन्होंने खुद के आधार कार्ड अरेंज कर रखे हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं से आधार कार्ड लोगों के ले रखे हैं। ठीक है, वो जैसे पैसे डलवा लेते उसको बोलता थे, वो आपका आधार कार्ड भेजो। पूरी जानकारी देना चाहता हूँ आपको। हाँ जी। वो क्या करते हैं, अभी गाय तो होती है 1,00,000 रुपए वाली, 80,000 वाली, और रेट डालते थे 35,000 35 लीटर दूध, 40,000 30 लीटर दूध। हाँ। कई बेचारे बोले किसान जो पशुपालक उनसे बात करते हैं। ठीक, आप भी कर लेना कहीं आपके सामने आ जाए तो। मैंने तो 3-4 बार की है। मैंने भी किया 1-2 बार। वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उपलब्ध है, कुछ लेना चाहे तो भेज देना। सही है। आप उनको फोन करोगे, कोई बंदा बोलेगा मैं जैसलमेर से बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा गंगानगर से बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा सूरतगढ़ से बोल जैसे रहा हूं। आप एरिया आपका जयपुर बता दिया तो वो आपके नजदीक का ही बताएगा भाई, तरीके से बताएगा, वो तरीके से बताएगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि वो दूर का बताते हैं। हाँ। आने को है ना, ऑनलाइन ले बंदा मेरे से 250-300 किलोमीटर दूर ही बताएगा। हाँ बिल्कुल। फिर क्या करते हैं, आप उनसे बातचीत करोगे, आपको गाय तो पसंद आएगी क्योंकि फोटो ही ऐसी डालते हैं वो। सही है। 1,00,000 रुपए वाली गाय 50,000-40,000 की लगाएंगे, पसंद आ रही है, डालते ही नहीं, 35-40 ही डीला मिलेगा आपको। ठीक है। फिर वो बात करेंगे, हम उनको कॉल करेंगे, वो बोलेंगे हाँ जी भाई साहब ये गाय हाँ आ जाएगी भाई साहब, तो हाँ। क्या सिस्टम है भाई साहब आपका?
वो बोलेंगे हमारा सिस्टम ये पेमेंट मेथड ये है, आप हमारे को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसा डाल दीजिए, ठीक है 5,000 या 10,000 आप ट्रांसपोर्ट का पैसा हमको डाल दीजिए, गाय आपके चढ़ाकर भेज देंगे, गाय आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है, और गाय का पैसा घर पे दो टाइम मिल्किंग करने के बाद हमको डाल देना। अच्छा, फिर कस्टमर सोते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही है, 5,000 रुपए 10,000 में घर आ रही है, घर गाय आ रही है, चेक करके पैसा देना है। हाँ, तो लालच में लोग ऐसे फंस जाते हैं। ऐसे मथुरा के 4 ग्राहक फंसे हैं, गुजरात से 4-5 ग्राहक फंसे, और आज ये गुजरात से मेरे को फोन आया, उन्होंने मेरे को वो सिस्टम भेजा उनका, तो मतलब कहीं ना कहीं से आधार कार्ड तो कहीं से भी लोगों का फोटो तो चाहिए ना। हाँ, सही, भेज के खुद का भेज देते। मैं सभी व्यूवर को ग्राहकों को ये बात बड़े गौर से सुनिएगा। हाँ जी, मैं सचेत करना चाहता हूँ, जो आपको बोलता भी हम आपके घर आ जाके आप पैसे दे देना तो वो कहीं नहीं है, ठगी होगी आपके। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और खास बताऊं, गंगानगर का कोई आदमी ऐसा एक भी नहीं है जो आपसे ठगी मारेगा पैसे के मारे में, ठीक है, धंधा सबका ही है, हम ऐसा कुछ किसी को गलत बोल के अपने आप को वो नहीं करना, सही है, कोई भी आदमी सही गंगानगर की जो किसी भी चैनल पे वीडियो लगती है, हाँ जी, उसके आप पैसा डालोगे तो आपके घर गाय आएगी, बिल्कुल, ये गंगानगर की तो गारंटी है, कहीं हमसे ले लेना, कहीं से मर्जी गाय ले लेना, गारंटी हम दे देंगे गंगानगर की तो, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन लेगा मेरे भाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं का नाम लेके ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं, एक गाय नहीं आई फोन उठाएंगे आपका, हाँ जी, फिर बोलेंगे साहब हमारी ट्रांसपोर्ट खराब होगी या गाड़ी नहीं मिल रही, या फिर आप 10,000 रुपया और डालो भाई साहब, फिर गाय पहुंचेगी, हमारी गाड़ी रास्ते में दिक्कत आ गई, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ही लोगों को फंसाया जा रहा है, ठीक है, सचेत होके ही पशु खरीदे, सभी मैं पशुपालकों को जो खरीदना चाहता हूँ उनको ये जानकारी इसलिए पहले दे रहा हूँ क्योंकि आपके में काफी टाइम से चर्चा थी, हम लोगों को बताएं, सही बात है, सचेत करना, लेकिन हमारा हम मकसद ये सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी गाय लेना खरीदना बेचना, सही बात है, लोगों को सचेत करना भी हमारा एक मकसद होता है, ठीक है, हम माध्यम मात्र ये तो करना हमारा फर्ज है, बिल्कुल चाहिए, लोग मेरे पास कॉल आती है किसान का पैसा जाता है, बोलते हैं वीरेंद्र जी अब क्या इलाज है, तो अब कोई इलाज नहीं, अब कोई इलाज नहीं गया, वो बात नहीं, आपका कुछ नहीं कर सकते, अब वीडियो काफी लंबी होगी, बुलाओ गुजरात वालों उससे कर लेते बात, अब वीडियो तो लंबी होती है अपनी हर एक जानकारी ऐसी होती है, लेकिन सभी व्यूवर देखते भी अंत तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने बातचीत कराते हैं, बातें अपने टॉपिक पे जो अपने से लोग गाय ली है भाइयों ने, आपकी बातचीत कराते हैं कैसी गाय रही है, ठीक है जी, नमस्कार, कहाँ से है जी? महसाणा गुजरात, महसाणा गुजरात से, कुरुवंद्र जी के पास आकर आपने कितनी गाय खरीदी है? हमने टोटल 7 गाय खरीदी है, ठीक है, 7 गाय यहाँ से परचेस किए, बाहर से दिलवाई आपको, ठीक है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा। कब से आपकी बातचीत चल रही है इनके साथ? ये देखो ना 16 फरवरी से चल रही है, ठीक है, 16 फरवरी से आपकी बातचीत चल रही है, पहली बार आयो? फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपके रिलेशन में कोई लेकर गए गाय यहाँ से? नहीं, रिलेशन में कोई नहीं, ठीक है, पहली बार आयो आप? ठीक है, पहली बार आई, लेकिन एक बात हो रहा है, हाँ जी, इन्होंने हमसे पूछा था गुजरात से कोई गाय लेके गया तो उनका नंबर दे दीजिए, हमने इनको वो नंबर जरूर प्रोवाइड कराया था, ठीक है, उनसे बातचीत करके हमारे पास आए, उनकी गाय कैसी निकली है, लेकिन आए पहली बार, इनका एक्सपीरियंस कैसा? ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार आई, पहली बार। मनीष जी, बात खास हर वीडियो की तरह इस वीडियो में फिर खास बात ये है, हाँ जी, जब हम गाय खरीद कर रहे थे, ठीक है, तो हम जैसे गाय पे गए कहीं भी सौदे पे जाते हैं तो बार्गेनिंग तो होती है, बिल्कुल होती है मौके पर, ये भाई साहब ने हम पहली गाय पे गए तो ये गाय बोले, भाई साहब बोले हमारे को 60,000 तक चलती है, कितने के लिए? वो तो बजट बताया हमारा, वो गाय हम कहने को 57 की लेकर, ठीक है, 57 की लेकर दी आपने, 3,000 कम एक गाय में। अभी और भी बताता हूँ, हाँ जी, एक जगह और गए, वो गाय थी मतलब वो आप 75,000 की ये ले रहे थे, ठीक है, बोले गुरिंदर जी हम सारे पूछते हैं कितने तक, ये बोले गुरिंदर जी 75 तक ले दो, हाँ जी, तो हमने इनको लेके दी 72,000 रुपये की, ठीक है, 3,000 इसमें कम हुआ, ठीक है, 6,000 जाइए, अभी और सुनते जाइए, हम शाम के एक मछली वो खड़ी कबरी उस पे गए, ठीक है, ये भाई साहब 65, और एक चीज और बताता हूँ, हाँ जी, अगर ये हमको 60 बोलते तो मैं 50 से शुरू होता सी, सही बात है, वो सही बात है, ये तो आपके सामने ही है ना, बार्गेनिंग हो जाए, ये मेरे को बोलते 60 लगाओ लेकिन मैं 50 से शुरू होता था, सही बात, तभी सौदा बनता है जाकर आगे, वो उसका 65 की ले रहे थे, वो हमने 63 की ली है, ठीक है, 2,000 उसमें बचा दिए, 2,000 रुपए बचा दिया, एक और बछड़ी ऐसी थी वो 115 तक ले रहे थे हमने, एक 12 की ली है, 2 जोड़ा, अच्छा, ये 85 की ले रहे थे हमने, 83 की जलाई है, ठीक है, ये बड़े वाले, गाय में 3,000 तो, ठीक है, 2,000-3,000 रुपए आपके लगभग ट्रांसपोर्ट का चार्ज वो निकाल दिया, और हर वीडियो में हर ग्राहक के साथ ही ऐसा होता है, हाँ जी, पशु खरीदने वालों को मैं हर चीज समझता हूँ, किसी और की जगह क्यों नहीं होता, सही बात है, जो नस्ल बोले आप वो नस्ल दिलवाए, जो बात आपको फोन पे बात हुई,
वही चीज आ गई आपके, कोई मेरी बात में बदलाव आया? ऐसा नहीं है, आपको रेट बता दिया भाई 40-45 की गाय मिल जाएगी और यहाँ पर आकर 65-80 की दिलवाई आपको। 65-80 जैसी गाय मांगोगे वैसा पैसा देना पड़ेगा। आपको मैंने कितने की एवरेज बताई थी? 60-65-80 तक की। पूरी गाड़ी की एवरेज 60-65 बताई थी इनको। हाँ जी। अपने को कितने की पड़ी है? 64 की। सही मिली ना अपनी बात? और खास बात ये, आपने जैसे 2-3 गाय ब्याई ली है, कितनी टाइम मिल्किंग करके ली? 3 टाइम। सामने दूध जितना बताया उतना निकला, जितना बोला उतना निकला। अच्छा, हमको एक दो गाय में था यार ये दूध नहीं निकालेगी, लेकिन हमने मिल्किंग करवा के दी। हर चीज ट्रांसपेरेंट अपने डेयरी फार्म में, ठीक है, रजिस्टर्ड है पूरा, सब A to Z, कोई दिक्कत नहीं आएगी रास्ते में, कोई रास्ते में पेपर वर्क तो ये देखिए पूरा चेक कर लिया हमने। एक नंबर रजिस्ट्रेशन है भाई साहब, हम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को वो चीज दिखा चुका हूँ। वैसे ऐसा नहीं चलता फिरता नहीं काम अपना, सही है, वो उसकी घर पहुँच की जिम्मेदारी हमारी होती है, वो हर वीडियो में आप सुनते ही हो। अब आपको गाय दिखाएंगे, सही बात, ये पहले तो सबसे ये आपको तोहफा ही दिखाना चाहता हूँ। सही बात है, दिखाइए। ये गाय मतलब 35 लीटर दूध पक्का ही देगी, ठीक है, 35 लीटर, लेकिन 30 लीटर दूध की गारंटी दी है हमने। अभी ये ब्याने वाली है, दूसरी ब्यांत में अंडर क्वालिटी आप देख रहे हो, बिल्कुल बड़े साइज काट रहे हैं। इसकी हाइट लेंथ देखो, ठीक है, काफी एक्स्ट्रा है। मैं मतलब हाथी का बच्चा ही है जी, सही है, बारिश में चल रही है। पिकअप में एक ही गाय हमने 83 की ली है, सबसे महंगी सिर्फ 83,000 की ये एक ली, और एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये गाय लाख रुपए के बाहर की है। सही बात है, ये भाई साहब खुद बोले कि हम ये गाय गुजरात में ले तो हमसे मोली को 1.5 लाख करेगा चिराड़ा बाड़ में। अच्छा, और 1.25 लाख की गाय देगा हमको, ये खुद भाई साहब खरीदार बोल रहे हैं। वो बात सही है, इन्होंने वहां से ली है, कोई बात में फर्क है भाई? नहीं नहीं, सही, इनका एक्सपीरियंस है ये भाई साहब। अगर कोई भाई बाहर से आना चाहे गुरविंदर भाई के पास, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? गुरविंदर भाई को तो खाली ऐसा ही बोलवाओ कि नाम से आ जाए बस, ठीक है, गुरविंदर भाई के नाम से आ जाएगा, पूरा भरोसा है, पूरा पूरा। ये भाई साहब हमारे पास गाय खरीदने आते 2 लाख पहले ही पकड़ा दिया, ठीक है, सेफ है मनी, कहने का मतलब किसी तरीके का कोई धोखा नहीं है। चलो आगे वाली गाय को, ये भी दूसरी बार बच्चा दिया जी, अभी 1-2 घंटे पहले, ठीक है, अभी जार नहीं गिरी। हमने ये प्रेग्नेंट ली थी गाबन, या भी ली थी यहाँ आकर, हाँ, और इनको बोला था भी ये बावला लगाएगी 1 नंबर बरैया और टाइट, उसमें फर्क है कोई? नहीं नहीं। अब अडर क्वालिटी देखिए इसकी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब 25-26 लीटर दूध देगी गाय। कौन से ब्यांत की? सेकंड की? सेकंड है, जेन वन सेकंड है, तीसरा तो कोई ली नहीं हमने। अच्छा, दूसरे लिए, पहले भी है दूसरे भी है, ठीक है, ले आवा। देखो गाय को आप, हल्की क्रॉस में है, ठीक है, 25-26 लीटर दूध देगी भाई साहब, और देगी बिल्कुल गारंटी है। गाय बता रही ये कितने की दिलवाई है? 57 की, 57 की, फिर 57 की, ठीक है जी, कोई दिला दे, चैलेंज है, मतलब माल ऐसा माल ही नहीं दिलाता यार कोई। सही बात है, मान लो कोई 9 ले रहा है तो उसमें 3 अच्छी होगी 6 हल्की होगी, लेकिन यहाँ एक नंबर एक से एक चढ़ती है। ये गाय देखो आप, खोल देखो गाय में, और हाइट लेंथ देखो, आपको दिख रही होगी थोड़ी नहलाई नहीं है बरसात के कारण, ये ब्याने वाली, इसको चलाओ आप, एक चीज दिखेगी अपनी गाय में। हाँ जी बताइए, अडर देखो, पहले तो पीछे से अडर देखना गाय का, कितना कम्पैक्ट और फिक्स अडर की गाय है, ये कच्ची है, भरेगी ये 28 लीटर दूध खुला देगी। कितने दिन का समय बाकी है अभी? ये 15 दिन लेगी भैया, ठीक है, 15 दिन, ये तो अडर लगाएगी, खूब प्यार होगी, नफर आप देख रहे हो, हाइट लेंथ भी है गाय की, मजबूत भी है, कमजोर नहीं है कोई भी गाय, अडर क्वालिटी भी काफी अच्छी है सर, अभी अच्छी है अभी तो, और आंचल देखो कितना प्यारा लगा है, पूरे मुट्ठी वाले हैं, एक एक चीज का ध्यान रख के पशु दिलाया जाता है, और चेक करवा के दिए हर चीज की, ले आओ। आज इस कारण से वीडियो अंदर बना रहे कि बार बारिश आप बारिश दे रही है, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं जैसी इस बार हो रही है। हाँ जी, चलो जो भगवान को ठीक लगे। ये गाय भी आप देख चुके हो, ठीक है, ये कितने की दिलवाई है? ये 72 की, ये 75 की ले रहे थे, 72 की ली है, ठीक है जी भाई साहब, है इतने की? ये बड़े साइज की, सॉरी बड़े अंडर की बछड़ी है, ये कौन सी? पहली बार की बछड़ी है जी, बोलो। और इसके नीचे 11 लीटर टाइम का दूध अभी रेडी है, 22 लीटर बिल्कुल तैयार है, और 4-5-6 दिन की ब्याई है, ठीक है, और 24-25 लीटर दूध आराम से देगी, ये शरीर की थोड़ी सी अभी ताजा जनी है। हाँ जी, लेकिन नस्ल है दुबई में और जनी हुई है अडर, आप इसका भी देख रहे हो पूरा चौड़ा अडर है। हाँ जी, हर चीज चेक करवा के देते हैं, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, इनके सामने दूध निकालेंगे अभी भी, ठीक है, अभी भी सामने होगा जो होगा।
ले आओ, टैग वगैरह सब लगा कर देते हो ना। वो तो परफेक्ट काम है जी। ठीक है, ये कितने की दिलवाई है? ये भी ये 57,000 की, 57,000 की ये दिलवाई है। वो बच्ची देखिए आप, आपको दूर से देख रही होगी। हाँ जी, थोड़ा सा अंधेरा पड़ गया है। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो भी वर्क कर लेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, दूसरे बार की ये भी ब्याने वाली है, लेके आओ। हमने जो ये कितने दिन में ब्याने वाली है? ये भी 10-12 दिन लेगी आराम से ही भाई। ठीक है, 10-12 दिन ले लेगी। देखो नस्ल, देखो कलर, देखो हाइट लेंथ, देखो पीछे से अटर क्वालिटी इसकी भी देखो आप, काफी बड़े साइज और ये देखो काफी अच्छी है, काफी बनेगी। अभी तो साइज ये तो कुछ भी नहीं है, तो बढ़िया लगाएगी, एक नंबर ठंडे स्वभाव की, मेन बात। हाँ, कोई भी गाय हमसे लेगा पाटा नहीं मारेगी गाय, गारंटी के साथ है। आंचल देखो कितना प्यारा लगा है गाय के, काफी अच्छा, हर चीज परफेक्ट है, पतली चमड़ी की है। हम पहचान करते हैं भी कौन सी गाय दूध दे सकती है, कौन सी अच्छी है, कौन सी। हाँ, और ये बात इनके सामने भी एक और चीज बताता हूँ क्लियर में। हाँ जी, दो बछड़िया इन्होंने पसंद कर ली थी। अच्छा, और ये ले रहे थे इनसे पूछो भाई सर, दो जगह आपने बछड़िया पसंद की थी और ये ले रहे थे, आपको किसी ने मना लिया? आपने मना लिया, आज तक कोई दलाल मना कर सकता? कोई नहीं करता, बोल देगा ये मतलब कोई नहीं करता उसको, तो धंधा है देने का। सही है, मैं पक्की करूंगा ना काम, मतलब खुद मना कर दिया। ठीक है, आपने किया मना, लेने वाली नहीं थी भाई। सही बात, नुकसान मेरा होना था ना। हाँ, गाय खराब जाएगी, वो ग्राहक टूटेगा, मेरा ही टूटेगा ना, व्यापारी तो बेच के घर बैठ जाएगा। हाँ, उसके तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन है, ये चीजों का ख्याल रखते हैं भाई। सही बात, ये दो बछड़ी है, फायदा ही है इस चीज का, ख्याल रखते हैं। ये भी पहली बार की है। ठीक है, सॉरी दूसरी बार की है, दूसरी। 3 दिन की ब्याई है, 9 लीटर खींच तैयार है। ठीक है, और निकाल के दिया है, मिल्किंग 2-3 टाइम करवा के दी है। और रेट इस, ये किस रेट में? ये दो गाय ली थी हमने 1,12,000 की। ठीक है, एक बार एक ये वाइट वाली, ये अभी मैला छाट रही है, सामने ही है, ताजा जनी दिख ही रही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। और इसके नीचे 10 लीटर दूध तैयार हमने दुआ है। ठीक है, मतलब 20 लीटर दोनों टाइम का, बिल्कुल दुआ है हाथ से, एक तो बोलने का नहीं। हाँ जी, दे देगी नहीं, दुआ है, बिल्कुल निकाला, 2 टाइम की है। हाँ जी, आप हमारी वीडियो में हम बार बार यही चीख चीख बोलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी, जानवर खरीदना, पशु खरीदने, इतनी दूर से कोई आदमी आता है तो पूरा ध्यान रखते ही आए। सही बात है, आपने हमारी इतनी वीडियो बनाई है, कितने ग्राहक हमारे पास बार बार क्यों आ रहे हैं, हम गाय आपके सामने, सब सामने, अगर ये बाहर होती तो और भी आपको क्लियर दिखते हैं, धीरे के कारण देखते भी है, लेकिन वो ग्राहक खुद बता रहा है यार। अब इनको ये इन्होंने पैसा भरा, ये तो नहीं झूठ बोलेंगे। सही बात है, और कोई ग्राहक आता मेरे पास दोबारा आके, वो जो भी झूठ नहीं बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा, एक बार धोखा होगा कोई दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कोई नहीं लेगा, वो उस चैनल को ही नहीं देखेगा, ब्लॉक कर देगा। सबसे बड़ी बात यही है, यही है। मैं देखो 100% रिजल्ट किसी का नहीं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। हाँ जी, लेकिन 99 है, 99 तक निकला है, मतलब एक आदमी किसी के पास हो गए उनका नसीब, क्योंकि ये कच्चा काम है, सब्जी वाला। सही बात है, लेकिन उसका भी उसका नुकसान नहीं हमने दिया, हमने भरपाई करवाई है, ये सबसे हमने अच्छी बात नहीं तोड़ा, हम फोन उठाना नहीं बंद किया। सही है, यही सबसे मेन बात होती है, सर्विस गुजरात तक है। ठीक है, जब आ जाके दिक्कत आई तो हमारा बंदा वहां भी पहुंचेगा। भैंसे दिलवा देंगे आप कोई भाई खरीदेगा? कोई भी जानवर लो, भैंस लो, गाय लो, सब दिलवा देंगे। थोड़ा सा मैं ऐसा भी एक दो में हम थोड़ा डील कम करते हैं, एक गाय लेने वाला हो जा दो गाय वाले में, लेकिन हेल्प हम उनकी भी करते हैं, दिलवाते हैं, ऐसी बात नहीं, आप कहीं भी कंटेक्ट करके, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है तो हमारे पास वो ग्राहक होते, सभी को टाइम देना होता ही है। सही बात है, तो अपना काम आपके सामने ही है। अभी तो गुजरात के ग्राहक है जो काफ़ी ज़्यादा आ रही है इधर, तो हमारे पास तो पिछले साल 3-4 सालों से बड़ा ही है काम का। बिल्कुल आपके सामने, कोई वीडियो उठा के देख लो, गिल डेयरी फार्म गंगानगर की, आपको गुजरात की मिलेगी। चलो बढ़िया बात है, बस यही काम है मनीष जी अपना, सामने चीज दिखाना, वीडियो अपनी सबसे ज्यादा लंबी होती है। हाँ, मेरे चैनल पर कभी 23 मिनट की वीडियो नहीं हुई, पिछले बार हुई है, तो उसमें 23 मिनट लोग क्या बोलते हैं, हम आपकी वीडियो देखते बोर नहीं होते, पहले मिनट से लेकर लास्ट तक देखते हैं, पूरा वीडियो कोई देखता नहीं, आपकी देखते हैं गुरविंदर जी, फोन आते हैं लोगों के। अच्छा, यही बोलते हैं। चलो बढ़िया बात, बात ही जानकारी उनको ऐसी दी जाती है जो कहीं से नहीं मिली, तो लोगों का काम है गाय बेची रखी, अपना काम किया, खत्म। सही बात है, वो काम यहाँ नहीं है, धंधा तो है, बिजनेस हर आदमी, बिजनेस हर आदमी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को किसी के साथ गलत ना हो, ये बात भी जान रखी है। सही है, इसलिए ये गाय जा रही है, 7 गाय जा रही है गुजरात। हाँ, रेट आपको बता ही दिया, कम्पैक्ट है, ग्राहक हमसे संतुष्ट होके गया है, लोडिंग बोर्डिंग सब एक नंबर मिलेगा आपको, यहाँ परफेक्ट काम है। ठीक है, गाय आई है,
भाई साहब बताएंगे कितनी बार चारा के लिए गाय भूखी रही है भैया नहीं रही इतना चारा ये घर जाके नहीं डालेंगे मैं गाय के लिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल मतलब ऐसा काम है हर चीज में ऐसा नहीं गाय बेच दिया मैं खर्चा नहीं और एक रुपया नहीं लिया चाकरी का अच्छा सारा दूर गए उसका भी एक पैसा नहीं चलो बढ़िया बात है ये चार चार पाँच पाँच हजार लगाते हैं वो तो पिछली वीडियो में अपने बोला था कि चार पाँच हजार लगाते बिल्कुल अपने पास गला नहीं काटा जाता सही बात है फायदे हैं आपको भी फायदे हैं ग्राहक को भी फायदे हैं बिल्कुल देखो यार हजार किलोमीटर से आदमी अपने पास आता है बिल्कुल भरोसा करके आता है सही है तो हम किसी के पास जाए तो फिर अपने साथ गलत हो तो क्या लगेगा बुरा ही लगेगा सभी को वो बात है धन्यवाद जी वीडियो बनाने के लिए अपना लंबा हो गया ठीक है हम सभी व्यूवर का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक बार का खास ख्याल रखा करें हमारी वीडियो को शेयर जरूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और पशुपालक तक पहुँचे और उनको गाय खरीदने में आसानी रहे अंत में सभी व्यूवर का धन्यवाद नमस्कार सत श्री अकाल धन्यवाद जी बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग।